जल्दी से बढ़ते हैं यहाँ से। भालू पे मुझे तरस आ रहा, बेचारे को भूख भी लगी है लेकिन खा नहीं सकता। ओए तेरी खैर, टैनी की नीयत मुझे साफ नहीं लग रही। और टैनी टैनी टैनी, आपको अभी सिर्फ 3 किडनी नज़र आ रहे हैं, अभी भाई साहब जो है ना लियो मिसिंग है इनमें से। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग, खुश आमदीद है आप सबका नए व्लॉग के अंदर। सबसे पहले तो भाई साहब गुड मॉर्निंग आपको, क्योंकि अगर आपको मैं मौसम की सूरत हाल अगर दिखा दूँ भाई साहब, सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ी थोड़ी धुंध है, मौसम काफ़ी खूबसूरत है, सूरज इस साइड से निकलने जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। बाकी ये काली नाक वाला शरारतें का आ रहा दीवार पे बैठ के। इधर बर्फ़ी कहाँ पे गई, ये बर्फ़ी है, माशाल्लाह कह दो, माशाल्लाह कह दो यार बर्फ़ी को देख के। बर्फ़ी इधर, और भाई साहब इस साइड पे टैनी है। टैनी के बच्चों से आपको मिलवाया है ना, इन सब में से आपको लियो तो नज़र नहीं आ रहा होगा, खैर वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी जल्दी से आपको दिखा दूँ। ये चेक करो ये क्या चीज़ है, ये तो चलो माना ना जेंटल सिरप है जिससे इनकी डिवर्मिंग होनी है, जो इसे जो इन्हें बच्चों को पिलाना है। बाकी ये सिरिंज है जिससे आप सारे डरते हो, पता है ना, जो स्कूल से छुट्टी करते हैं बच्चे उन्हें तो पता होगा, जो कहते हैं हमारे पेट में दर्द हो रही है, हमें यहाँ पे दर्द हो रही है, हमने स्कूल नहीं जाना। जब उनके वालदैन डॉक्टर के पास जाने का नाम लेते हैं ना, इंजेक्शन लगना है, फिर कहते हैं नहीं हम ठीक हैं स्कूल जाते हैं, इस तरह बहाने करते हो, फिर इंजेक्शन से डरते हो। ऐसे ही है ना टैनी, टैनी मेरी मेरी बातें बड़ी गौर से सुनती है। अभी आपको बता दूं, टैनी की डिवर्मिंग नहीं होनी, ये सिर्फ किटन के लिए है, जेंटल सिरप है ना जो किटन के लिए है, इनके खाने से घंटा पहले इनको पिलाना है। बर्फ़ी के काम देखो, छोटे से सुराख के अंदर घुस गई है। मेरे सुबह उठने की सिर्फ एक ही वजह है, काफ़ी दिन से मैंने रोना डाला हुआ था, रोना रो रहा था, इस तरह कहते हैं ना, रोना रो रहा था कि टैनी बालू की सबकी ना डिवर्मिंग करनी है, टैनी के बच्चों की सबकी डिवर्मिंग करनी है। तो आज सुबह सुबह इसी वजह से मैं उठ गया हूँ, टैनी की फैमिली के नाश्ते से पहले पहले, क्योंकि इनके नाश्ते से पहले इनकी डिवर्मिंग करते हैं। बाकी इनके डिवर्मिंग के लिए ना चलते हैं नीचे, अभी आप भी फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिन बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, नहीं तो भाई साहब ये मैंने इंजेक्शन लगा देना, तो फिर आपको पता है मैंने लगाना भी किस जगह पे है, जल्दी से करो। अभी जेंटल सिरप का ढक्कन शक्कन खोल के अलहदा थोड़ा सा रख लिया बढ़ने के लिए, सिरिंज वगैरह भी निकाल ली है, इसके आगे से ना जो निडल होती है ना सुई, वो उतार दी है। अभी ज़रा जल्दी से बढ़ते हैं इसके अंदर, फिर इनको खिलाते हैं, पहले इन्हें काफ़ी भूख लगी, अपने खाने के पास बैठा हुआ काली नाक वाला। जल्दी से बढ़ते हैं यहाँ से, सही भरा नहीं गया, यहाँ शीशी से बढ़ना पड़ेगा हमें, बल्कि सिरिंज आगे लगाते हैं पहले, मुझे भी आइडिया नहीं है इसका, सिरिंज इस तरह आगे लगाते हैं ना पहले, अभी सिरिंज से बढ़ते हैं। आ जाए यार, भरे ही नहीं जा रहा, नहीं भरा जा रहा, ये गाढ़ा मेरे ख्याल से सिरप, इसलिए ना सिरिंज के अंदर आ ही नहीं रहा, पहले की तरह ही भरना पड़ेगा निडल उतार के, पहले ढक्कन में डाल लेते हैं काफी सारा, बंदा मंदा तो हो गया, प्रोफेशनल डॉक्टर तो है नहीं मैं, जिस तरह का भरा गया ना भर लिया मैंने। अभी जो छोटे बच्चे हैं ना टैनी के, उनकी तो डिवर्मिंग करनी है, काली नाक वाले की और बर्फी की, तब तक टैनी को तो खाना खिलाते हैं, टैनी बेचारी सुबह से भूखी है, इसे तो खाना खिलाते हैं, टैनी को भी फीड दे दी है जो मजे से खा रही है, बाकी दूसरों की डिवर्मिंग करते हैं। सबसे पहले ना काली नाक वाले को ज़्यादा भूख लग गया, इसे पिलाते हैं ये वाला, ये लो, म्यों म्यों कर रहे हो, ये पी नहीं रहा, ओ भाई ये बर्फ़ी शायद पी ले, सूंघे जा रहे हैं, पी लो बालू, इसका मुंह खोल के बस पिलाना पड़ेगा, वो मुझे पता नहीं अब कैसे पिलाए हैं, ये लो पी लो, अपनी उंगली पे लगा के पिलाता हूँ पहले, भाई साहब पी नहीं रहे, ये लो, नहीं पी रहा। मेरी तो यही प्लानिंग है, ये इनकी चॉकलेट जो है ना फेवरेट चॉकलेट ये निकाली है, मेडिसिन तो इन्हें खानी नहीं है, अकेली थोड़ी सी चॉकलेट खिलाएंगे पहले, जब थोड़ी चॉकलेट खाएंगे ना फिर अपनी चॉकलेट समझ के ना इस मेडिसिन को भी खा लेंगे, मस्त प्लान है। अच्छा बालू चॉकलेट, बालू का मुंह देख सकते हो भाई साहब, थोड़ी सी बालू ने पी है, वो दवाई जो है बर्फी ने मुंह नहीं लगाया, ये देखो चॉकलेट खाने के लिए कितने मज़े से आते हैं, अभी थोड़ी सी चेक करवाइए ना, इनको लगेगा ये चॉकलेट ही है, अभी ये चेक करवाते हैं, ये लगवा लो, ये देखो वैसे ही मुंह नीचे कर लिया, ये देखो बर्फ़ी कितने शौक से आ रही थी, इसने भी मुंह नीचे कर लिया, जब ये आगे करता हूँ ये खाते ही नहीं, और जब ये चॉकलेट इनकी फेवरेट करता हूँ ये देखो कितने मज़े से खाते हैं, फिर दोनों आ जाते हैं।
बर्फी ने बिल्कुल ना होने के बराबर खाई है जो मेडिसिन है ना। बर्फी भी खाना खा रही है, टैनी भी खाना खा रही है। काली नाक वाला अपने बर्तन के पास बैठा हुआ है कि मुझे दे दो, कोई बंदा तो दे दो खाना। लेकिन आधे घंटे बाद कम से कम इसे देना है, घंटे बाद तकरीबन। भालू भाई मुझे तरस आ रहा, बेचारे को भूख भी लगी है लेकिन खा नहीं सकता। अभी ने सिरप लाया ना इसे, तकरीबन घंटे बाद इसे पिलाना है, क्योंकि घंटे बाद इसे खिलाना है खाना। वर्मिंग भाई साहब इस तरह हो गया कि भालू को तो ज़बरदस्ती पिला दिया सिरप, लेकिन बर्फी ने नहीं पिया। बर्फी को बड़ी कोशिश किया लेकिन ये इस तरह मुंह इस तरह करते थे, इसने पिए ही नहीं है। भालू ने फिर भी काफ़ी पी लिया था। अभी आगे हम छत पे अपने चूज़ों को ना खोलने के लिए, इनके घर से बाहर निकालने के लिए काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें बाहर निकालो। सब्र करो, निकालते हैं। बायोमेट्रिक लॉक पहले खोलना है इनका। चलो जी आ जाओ ऊपर। तो मैं अपने चूज़ों को खोलने के लिए इसीलिए आया हूँ ताकि जल्दी से टाइम गुजर जाए, जल्दी से घंटा हो जाए, फिर भालू को ना खाने के लिए कोई चीज़ देनी है। मुझे तो तरस आ रहा था बेचारा नीचे खाने के लिए ना बैठा हुआ था। बाकी सारों ने खा लिया था, भालू को पता था, बाकी सारों ने तो खा लिया, बाकियों को दे दिया, मुझे नहीं दिया। थोड़ा सा टाइम गुजर लेना फिर भालू को देते हैं। ठीक है, सारे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, सारे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। ये मुर्गी तो मुझे बोल बोल के कह रही है कि मुझे खाना दो। अच्छा अच्छा देता हूँ, चुप कर जाओ, देता हूँ देता हूँ। ओए तेरी खैर। ये इनका खाने का शापर है। एक आपको शुगल दिखाऊं इन चूज़ों का, अभी इन्हें ना काफ़ी भूख लगी है, देखना क्या करते हैं। पूरे का पूरा खाने वाला शापर इनके सामने रख दिया है, देखते हैं खाते हैं कि नहीं। ओ भाई खुद बहुत ही डरे जा रहे हैं। ओ भाई मैंने तो सोचा था शुगर लगाएंगे भाई साहब इस शापर में से खाएंगे, लेकिन हमारी मुर्गियाँ तो सियानी बड़ी हैं, उन्होंने कहा नहीं हमें बाहर निकाल के दो तो हम खाएं, हमने इसके अंदर से नहीं खाना। यार वाह यार वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। टैनी के साथ साथ हमने अपनी मुर्गियां भी ट्रेन की हैं। अभी जल्दी से इन्हें बाहर निकाल के देते हैं। ये देखो बाहर फेंका है, फिर अभी मजे से खा रहे हैं। ये होती है बात हमारी मुर्गियों की। आपकी मुर्गियाँ हैं इस तरह की? ये लो प्यारी मुर्गियों खाओ, मजे से खाओ। क्या बात है, टैनी की नीयत मुझे साफ नहीं लग रही। इस साइड पे मुर्गियाँ खा पी रही हैं, इस साइड पे मुझे टैनी की नीयत नहीं ठीक लग रही। टैनी की आंखें देखो, हसरत भरी आंखें। वेरी डेंजरस टैनी। ना बच्चे मुर्गियों को कुछ नहीं कहना। अच्छा भालू कहता मुझे मुर्गियों का खाना दे दो, अगर मेरा नहीं देना तो। शापर के पास बैठा हुआ बेचारा। सिरप पिलाने के एक घंटे बाद इसे खाना देना था। ये सारा तरीका मैंने ना डॉक्टर से पूछा था, ये सिरप के बारे में भी। उसने मुझे बताया था जेंटल सिरप देना है सुबह इनके खाने से घंटा पहले, इसे सिरप पिला के फिर एक घंटे बाद इसे खाना देना है। आलू इतनी सर्दी में पाँव गिर, ओ यार मेरे मुंह के ऊपर इसने छींटे सारे फेंक दिए। एक तो अपने सारे इसने हाथ गीले किए हैं, हाथ पानी में लगा के ऐसे साफ किया, मेरे मुँह पे सारे छींटे पड़ गए। मुर्गियों का पानी इधर चेंज कर रहा हूँ, बिला वजह पानी के अंदर घुस जा रहे। टैनी की नीयत का मैंने आपको बताया था कि टैनी की नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। इसकी आंखों से मैंने ना इसकी हसरत भरी आंखें मैंने देख ली थी। ये मुर्गी को पकड़ने की कोशिश ना करनी करनी है। बेचारे बड़े मजे से खा रही थी। खा लो खा लो। अभी चूजों का मैं पानी चेंज कर रहा हूँ। लो भाई साहब मुर्गियों के लिए गर्मा गर्म पानी भी आ गया, इनके खाने के पास रख दिया है, खुद ही पानी पी लेंगी खाना खाने के बाद। आ जाओ टैनी नीचे चले, आ जाओ। अच्छा मेरा टैनी। भालू भी गहरा होना भाई साहब, मुझे भूल ही गए हैं नाश्ता देना, लाके बर्फी ने सुबह खाया फिर आ गई है। ये लो भालू, भालू को भूख लगी है। ये लो बर्फी तुम भी खा लो। तकरीबन घंटा हो गया इसे सिरप पिलाए, डिवर्मिंग इसकी हो गई है, भालू की बर्फी की नहीं हुई। आपको बता दो लियो की कहानी, लियो कहाँ पे गया। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, टैनी के बच्चे हमारे पास परमानेंट पक्के पक्के नहीं आए, इन्होंने वापस चले जाना है काली नाक वाले के अलावा, क्योंकि वो हमारे हमने पक्का पक्का रखा शुरू से। बाकी बर्फी भी चले जाने, सच तो यही है भाई साहब, कड़वा तो है लेकिन सच है। बाकी लियो भाई साहब चला गया, लियो हमने दे दिया, इसीलिए आपको वीडियो में लियो नजर नहीं आया, उसकी डिवर्मिंग नहीं हो सकी। भालू ना इस कपड़े के नीचे छुपा हुआ है। ओए ये लो भालू ने डिवर्मिंग करवाई है। इस खुशी में ना भालू को ये हम चॉकलेट खिलाने लगे हैं। भालू किधर गए हो? भालू छुपन छुपाई खेल है मेरे साथ। ये लो भालू की यार चॉकलेट तो बनती है ना, कैसे कपड़े के पीछे छुप के खा रहे। बर्फी भी आ गई। देखो चॉकलेट खाने, डिवर्मिंग तो करवाई नहीं तो ये खाने के लिए आ गई हो भाग के। ये लो तुम भी खा लो, रह ना जाना।
चॉकलेट देख के ना इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना। टैनी को भी खिला दिया। अच्छा अच्छा ये लो बालू, बालू को तो ज़्यादा खिलानी है ना बालू। घंटा भूखा भी रखा बालू को, सिरप भी इसे पी लिया इसने, इतनी तो इसके चॉकलेट बनती है ना। टैनी यार इतनी समझदार है, लड़ती नहीं है खाने पीने के लिए, लैदा बैठी हुई है कि जब भी देनी होगी मुझे लैदा दे देंगे। आपको अभी सिर्फ 3 किटने नज़र आ रहे हैं, अभी भाई साहब जो है ना लियो मिसिंग है इनमें से। अभी किचन में आया हूँ, नाश्ता भाई साहब तैयार हो गया तकरीबन। रात जो गोभी बनी थी, गोभी भाई साहब पराठे के अंदर डाल के गोभी वाला पराठा बन गया। ये अभी मैं नाश्ते में खाऊंगा ये गोभी वाला पराठा। मैं तो फिर अभी हाथ वगैरह धो के, जो टैनी को चॉकलेट खिलाई है ना सबको, हाथ वगैरह धो के अपना नाश्ता वगैरह करने लगा। बाकी जल्द इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।